हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कृपया आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं वह आपको ज़रूर समझ में आए। चलिए चलते हैं। जैसे आज का पहला चैप्टर एलसीएम। एलसीएम हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, जैसे 6, 12 और 15 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 12 और 15 उतार लेंगे। उसके बाद हम भाग विधि द्वारा, जो कि यह एक बेसिक तरीका है और कई भी तरीके हैं, लेकिन जो हम सीखते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, जैसे 6, 12, 15 लिख दिए, उसके बाद हम इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा और 15 नहीं कटेगा, उसे ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 3 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा और 15 नहीं कटेगा। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद हम 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 3 5 15। उसके बाद हम फिर 5 से भाग देंगे, 1 1 और 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 3 5, यानी कि 2 2 3 × 5, यानी कि 5 कुल का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि 6 12 15 का एलसीएम हुआ 60। यही हुआ हमारा आंसर। और इसके आगे कुछ अंकों का और देखते हैं, जैसे 12 15 और मान लीजिए 30 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम पहले पाई खींचेंगे, उसके बाद सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 12 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 15 वैसे उतार लेंगे। उसके बाद 30 में भाग देंगे, 15 2 30, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 15 वैसे उतार लेंगे। फिर 3 से, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 5 15, उसके बाद 5 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से ये नहीं कटेगा, 1 1 और 1, तो क्या हुआ, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 इसका एलसीएम हुआ 60। इसका भी एलसीएम हुआ 60। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।